हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास वैष्णवी पाठशाला में, आपके अपने यूट्यूब चैनल वैष्णवी पाठशाला में। तो ये हमारी जीएस की क्लास है, और जैसा कि आप जानते भी हैं कि इंग्लिश की क्लास भी अब आना स्टार्ट हो गई है। नीरज सर के द्वारा इंग्लिश की क्लास दी जा रही है और मेरे द्वारा जीएस सेक्शन देखा जा रहा है। तो चिंता किस बात की, प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन कर रखा है, उसकी आप मतलब उस चीज़ को आप उसका यूज करिए, उसका सदुपयोग करिए, है ना। आपको बहुत ही अच्छा मौका मिला है घर पर बैठ के पढ़ने के लिए, तो इससे आप दो तीन चीज़ें अच्छी अच्छी कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो आप प्रधानमंत्री जी की जो उन्होंने बोला है, देश से जो उन्होंने गुजारिश करी है, उसका आप पालन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप ये जो हमारे यहाँ जो एक वैश्विक महामारी फैली हुई है, इस महामारी को कम कर सकते हैं, इस महामारी को रिड्यूस करने में अपनी मदद कर सकते हैं। तीसरी बात कि अगर आप घर पे बैठेंगे ना, तो यही देशभक्ति है। इस समय अगर किसी को देशभक्ति दिखानी है, देशभक्ति का कीड़ा जो है उसके अंदर बहुत भरा है, कूट कूट के भरा है, तो वो अपने घर पे रहे और हमारी क्लास ले। इंग्लिश की क्लास का अरेंजमेंट हमने कर दिया और जीएस का तो सेक्शन चल ही रहा है ना। तो फिर किस बात की चिंता, पढ़ाई करो यार अच्छे से, बाकी क्या रखा है ज़िंदगी में। तो बात करते हैं प्रस्तावना की, और इसके पहले हमने संविधान सभा को भी ख़त्म कर लिया है, तो आज हमको पढ़ना है प्रियम्बल। ये प्रियम्बल की हमारी पहली क्लास है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कल मेरे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया। हाँ, और अच्छी बात, अगर इंस्टाग्राम पर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप जुड़ सकते हैं वैष्णवी पाठशाला से। वैष्णवी पाठशाला वहाँ पर डालेंगे, सर्च करेंगे, वहाँ पर इसी चैनल का लोगो आपको मिलेगा, वहाँ से आ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। हाँ, मैं बात कर रहा था मैसेज की। तो मैसेज आया, मैसेज में ये लिखा था कि सर जी, आपका कंटेंट जो है ये बहुत ही मतलब ज़्यादा हो रहा है, लेंथी हो रहा है, ऊपर ऊपर पढ़ाइए। तो मैं उनसे एक बात बता दूं, अगर आप सुन रहे हैं, जिन्होंने मैसेज किया है वो अगर हमको सुन रहे हैं, तो उनको मैं एक बात बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर आए हो, तो पहली बात, हम आपको आधा ज्ञान नहीं देंगे। आपने एक कहावत सुनी होती है, अध जल गगरी छलकत जात। पता चले हम आपको आधा ज्ञान दे दें और आप उस आधे ज्ञान को लेकर के एग्जाम हॉल में बैठो और वहाँ पर किसी प्रकार का क्वेश्चन ना फंसे, तो क्या होगा, असफलता हाथ लगेगी। असफलता हाथ लगेगी कि नहीं लगेगी? तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा टाइम व्यतीत करो, उसका कंटेंट समझो, क्योंकि पूरी रूपरेखा जब तक आपको समझ में नहीं आएगी, आप उस विषय पर पकड़ नहीं बना सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम कंटेंट जो देते हैं एकदम अंदर तक देते हैं, डीप नॉलेज देते हैं, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। अगर आप चार किताबें भी पढ़ोगे तो भी आपको उन किताबों में इतना ज्ञान नहीं मिलेगा। आप हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी सीरीज़ देखिए, उसमें 117 वीडियो पड़े हुए हैं, 117 वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री में पड़े हुए, और किसी भी लेक्चर को खोल लीजिए, उसमें ऐसा आपको समझ लो कंटेंट मिलेगा जैसा आप जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं किसी से। ठीक, चलो फिर यहाँ पर प्रियम्बल पढ़ते हैं, और इस प्रियम्बल को भी हम बहुत ही डीप पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि आखिर प्रियम्बल किसी देश का प्रस्तावना होता क्या है, प्रस्तावना क्या होती है, क्या होता है प्रस्तावना, प्रियम्बल क्या होता है, पता है? बताइए, सोचिए क्या होती है प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना का सीधा सीधा मतलब होता है कि जिस देश के संविधान में प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को पढ़ करके हम उस देश के अंदर घुसे या ना घुसे, उस देश के लोगों से हम मिले या ना मिले, उस प्रस्तावना को पढ़ करके हमें मोटा मोटी जानकारी प्राप्त हो जाती है, एक झलक प्राप्त हो जाती है कि आखिर उस देश का जो पूरा नेचर है वो कैसा होगा, उस देश की संस्कृति कैसी होगी, उस देश की राजव्यवस्था कैसी होगी। बात समझ रहे हैं? मतलब मोटी मोटी एक झलक हमको मिल जाती है उस देश के बारे में, और इसी चीज को कहते हैं हम प्रस्तावना। बात समझ में आ गई? तो फिर ये बात आती है कि प्रस्तावना अगर है तो प्रस्तावना कहाँ से आई? भाई, किसी ना किसी के दिमाग में तो ये बात आई होगी ना कि किसी देश को जानने के लिए उसका एक प्रारूप होना चाहिए, मतलब एक प्रस्तावना होनी चाहिए जिससे हम उस चीज को समझ सकें। ठीक,
तो अगर हम यहाँ पर अपने प्रस्तावना की बात करें, ठीक है, प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर दो प्रकार के पॉइंट प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन से प्राप्त होते हैं, वो कौन कौन से प्राप्त होते हैं? वो देखो, ये प्राप्त होते हैं कि आखिर उस प्रस्तावना का स्रोत क्या है, उस प्रस्तावना का स्रोत क्या है। देखिए, हम बहुत ही आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे ताकि हर चीज समझ में आए। तो उस प्रस्तावना का स्रोत क्या है और उस प्रस्तावना का स्रोत क्या है, स्रोत कह रहे आधार क्या है, ये दो चीजें हमारे सामने निकल करके आएंगी कि किसी देश की प्रस्तावना या प्रियम्बल का स्रोत क्या है और उस देश की प्रस्तावना का आधार क्या है, किस चीज को आधार मान करके प्रस्तावना बनाई गई है। ठीक है, तो स्रोत की अगर हम बात करें यहां पर, तो स्रोत हमें मोस्टली दो प्रकार से और प्राप्त होते हैं। वो कैसे कैसे? एक तो विचार, सबसे पहले विचार आया होगा, ठीक, विचार, और दूसरी प्राप्त होती है हमें इसकी भाषा। बात समझिए अच्छे से, प्रस्तावना हमें दो प्रकार से प्राप्त होती है, एक स्रोत उसका क्या है और एक उसका आधार क्या है। अगर स्रोत को भी हम दो भागों में बांटें तो हमको एक भाग मिलेगा विचार और एक भाग मिलेगी भाषा। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है, प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है। तो ध्यान रखिए, अगर हम प्रस्तावना के विचार की बात करें तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। किससे लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार लिया गया है। दूसरी बात, भाषा की अगर हम बात करें तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान को देखें, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमको भारत की प्रस्तावना की भाषा प्राप्त होती है, ऑस्ट्रेलिया। ये बात समझ में आई? ठीक, तो भाषा और विचार के आधार पर, भाषा और विचार के आधार पर हमारे प्रियम्बल की पहली लाइन जोड़ी गई, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। समझिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक, अगर हम हिंदी की बात करें इसकी तो इसमें आएगा हम भारत के लोग, है ना। तो इसकी स्टार्टिंग हमको यहां से प्राप्त होती है। ये बात समझ में आ गई आपको? इसके बाद बात करते हैं आधार की। प्रस्तावना के स्रोत पर बुरी बात हो गई, अब बात करते हैं प्रस्तावना के आधार की। अगर हम प्रस्तावना के आधार की बात करें तो प्रस्तावना की आधार के लिए हमने आपको बताया था उद्देश्य प्रस्ताव, बताया था उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो इसके अगर बात करें आधार की तो हमको मिलता है उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, कब? 13 दिसंबर 1946 को, और ये संविधान सभा के सामने कब स्वीकृत किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। 46 के बाद कौन सा सन आएगा? 47। तो इस प्रकार से हमें प्रस्तावना के दो पार्ट देखने को मिलते हैं, एक तो प्रस्तावना का स्रोत, दूसरा प्रस्तावना का आधार। तो प्रस्तावना के स्रोत का मतलब, सोर्स का मतलब एक विचार हो गया और एक उसकी भाषा हो गई, ठीक। तो अगर हम विचार की बात करें तो प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है, और अगर भाषा की बात करें तो हमें ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त होती है प्रस्तावना की भाषा, ओके। दूसरी अगर बात करें, इसके बेस की बात करें, इसके आधार की बात करें, तो इसका जो बेस माना गया है वो माना गया है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को चालू किया गया था, जो कि संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी 22 जनवरी 1947 को। तो यहाँ से हमारे विचार और भाषा को लेकर के वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, से हमारी जो प्रस्तावना है वो स्टार्ट होती है।
चलिए अब देखिए, जो भारत की प्रस्तावना है, हमने ये बताया कि इससे भारत की हम एक मोटा मोटी झलक प्राप्त कर सकते हैं, एक झलक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे झलक को प्रदर्शित करने के लिए वर्ड्स डाले गए, वर्ड्स डाले गए, जैसे कि संप्रभु आया, ठीक है, समाजवादी आया, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, इसके बाद ठीक, इसके बाद जैसे कि लोकतांत्रिक, फिर गणराज्य, इस प्रकार के बहुत सारे इसमें वर्ड आए। तो इन वर्ड्स को समझना ही प्रस्तावना का मूल ज्ञान प्राप्त करना है। बात समझ में आ रही? अगर आप इन वर्ड्स का मतलब समझ जाते हैं, इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है, तो आप प्रस्तावना के द्वारा उस देश की झलक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे कठिन काम है इन वर्डों की मीनिंग को समझना। इन वर्ड की मीनिंग मैं समझाऊंगा तो आपको उसकी उत्पत्ति तक की पूरी बातें बता दूंगा। जैसे कि आपने सुना होगा 42वें संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। 42वां संविधान 1976 को किया गया, उसमें एक वर्ड समाजवादी जोड़ा गया। तो ये क्यों जोड़ा गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, समाजवादी शब्द है क्या, इस चीज के बारे में बताऊंगा। और साथ में आपको इसमें कुछ केसेस भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बीरूबाली का केस बताऊंगा, और साथ में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बारे में भी आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, जिसमें प्रस्तावना में अमेंडमेंट भी किया गया है ना। चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमें कुछ वर्ड्स प्राप्त होते हैं, उन वर्ड्स की मीनिंग को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो समझिए उन वर्ड्स की मीनिंग क्या है, ठीक। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, SSDR है। कहोगे सर जी ये क्या बोल रहे, SSDR ये कौन सी बला है, ये बला नहीं भैया, ये आपको पढ़ना है SSDR। तो SSDR के द्वारा हमारे पास कुछ शब्द निकलते हैं, जैसे कि समझिए, आपने संविधान देखा होगा तो उसमें SSDR का कॉन्सेप्ट देखा होगा, नहीं देखा, आज हम आपको दिखा देंगे SSDR। यहां पर देखिए SSDR मतलब एस स्टार्टिंग के, अगर हम एस की बात करें तो इस स्टार्टिंग का मतलब होता है, इस स्टार्टिंग एस का मतलब होता है सोवरेन। क्या मतलब होता है सोवरेन, सोवरेन का मतलब क्या हो गया, संप्रभु, ठीक है, संप्रभु। एक हो गया एस सोवरेन, सोवरेन का मतलब क्या होता है, संप्रभु। चलो उसके पहले सारी चीजें समझ लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं। तो सोवरेन ये हो गया, दूसरा हो गया सोसाइटी, इसके बाद हो गया सोवरेन हो गया, सोसाइटी हो गया, इसके बाद सेकुलर, सेकुलर के बाद डेमोक्रेटिक, डी फॉर डेमोक्रेटिक, और आर फॉर हो गया रिपब्लिक। बात समझ में आ गई, ठीक। तो यहां से एस का मतलब हो गया, पहले एस का मतलब हो गया सोवरेन, सोवरेन को हिंदी में कहते हैं संप्रभु। यहां एस से मतलब हो गया सोसाइटी, सोसाइटी को हिंदी में कहते हैं समाजवादी या समाजवाद, ठीक है, चलो समाजवादी कर देते हैं। इसके बाद एस का मतलब हो गया सेकुलर, सेकुलर का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। अभी इस चीज के बारे में बताऊंगा कि धर्म निरपेक्ष क्या होता है और पंथ निरपेक्ष क्या होता है। इसके बाद है डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र, लोकतंत्र। इसके बाद रिपब्लिक मतलब गणराज्य, गणराज्य। तो किसी भी देश की कल्पना, मतलब अपने देश की कल्पना, किसी भी देश को क्यों उठा रहे हैं, अपने देश का संविधान पढ़ रहे हैं, अपने देश की कल्पना की गई है कि हमारा जो देश होगा वो SSDR बनेगा, मतलब सोवरेन संप्रभु बनेगा, सोसाइटी यानी कि समाजवादी बनेगा, एस फॉर सोसाइटी है यहाँ पर, ठीक है, या सोसाइटी क्या, इसको सोशलिस्ट कर लीजिए, है सोशलिस्ट, समाजवादी। इसके बाद एस फॉर सेकुलर यानी कि धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष बनेगा, डी फॉर डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक बनेगा, और आर फॉर रिपब्लिक मतलब गणराज्य बनेगा। अब आप बताइए क्या संप्रभु का मतलब आपको पता है कि संप्रभु क्या होता है।
समाजवादी का मतलब आपको पता है कि समाजवादी क्या होता है? समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी नहीं भैया यहाँ पर। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का मतलब पता है? नहीं पता है। लोकतंत्र का मतलब पता है? ये मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा, लोकतंत्र। रिपब्लिक का मतलब पता है? गणराज्य का मतलब। तो अगर आपको इनका मतलब पता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं उन मित्रों का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने कम से कम अच्छे से पढ़ाई करी है ना। अगर आपको उसका मतलब पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आपको इन चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए। है, देखिए मैं बहुत ही आसान से पढ़ा रहा हूँ, आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आप उसको नोट डाउन भी करते जाइए। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, उसका पूरा निवारण होगा। तो यहाँ से हमारे पास 5 शब्द आते हैं SSSDR। अब ये कहा गया, जब नेहरू जी लोगों के सामने गए इस प्रस्ताव को लेकर के कि हमारे देश में SSSDR होगा, है ना, यानी कि स्वयं को संप्रभु बनाना है, स्वयं को समाजवादी बनाना है, अपने देश को धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष बनाना है, उसको लोकतांत्रिक बनाना है और एक गणराज्य के रूप में विकसित करना है, तो लोगों ने कहा ये बताओ नेहरू जी इससे हमें फायदा क्या होगा। इससे हमें मिलेगा क्या, है ना। तो नेहरू जी ने यहां पर कहा कि इससे हमको न्याय मिलेगा, इससे हमको क्या मिलेगा, इन चीजों का अगर हम पालन करते हैं तो इससे हमें एक तो न्याय प्राप्त होगा, ठीक है, एक न्याय मिलेगा, दूसरा हमें स्वतंत्रता मिलेगी, तीसरा हमें समानता मिलेगी। न्याय मिलेगा, एक स्वतंत्रता मिलेगी और एक समानता मिलेगी। अरे भाई न्याय मिलेगा, कैसा न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, कैसी स्वतंत्रता मिलेगी, इस चीज को भी समझ लो। न्याय मिलेगा तो कैसा मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी तो कैसी मिलेगी, और अगर समानता मिलेगी तो ये समानता कैसी है, इस समानता क्या चीज है, इन न्याय क्या चीज है और ये स्वतंत्रता क्या चीज है। तो इस चीज को भी समझाया गया, समझिए कैसे समझाया गया। चलिए यहां देखते हैं। सबसे पहला कहा कि न्याय मिलेगा, तो कहा कि कैसा न्याय मिलेगा, ये तो किसी ने हमको बताया ही नहीं कि इसमें न्याय भी मिलेगा, कैसा न्याय मिलेगा। तो समझिए इन्होंने कहा सामाजिक, आपको सामाजिक न्याय मिलेगा, आपको सामाजिक न्याय मिलेगा, आपको आर्थिक न्याय मिलेगा, आपको आर्थिक न्याय मिलेगा और आपको राजनीतिक न्याय मिलेगा। है? बोल रहे हो आप ना कि अगर हम इस SSSDR को लागू कर देंगे तो उससे हमें फायदा क्या होगा, तो उससे हमें न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी। अगर आप कह रहे हो कि न्याय कैसा मिलेगा, तो हमें सामाजिक न्याय मिलेगा, हमें आर्थिक न्याय मिलेगा, हमें राजनीतिक न्याय मिलेगा। चलो न्याय तो समझ में आ गया, हमें स्वतंत्रता कैसी मिलेगी, हैं, हमें स्वतंत्रता कैसी मिलेगी, अरे ये लो भाई हमें स्वतंत्रता भी मिलेगी, परेशान क्यों, हमें स्वतंत्रता भी मिलेगी। कैसी स्वतंत्रता मिलेगी, विचार की स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी। कैसी स्वतंत्रता मिलेगी, विचार की स्वतंत्रता मिलेगी, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी, हमें विश्वास की स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक है, हमें धर्म की स्वतंत्रता मिलेगी। इस प्रकार से हमें स्वतंत्रताएं भी प्राप्त होंगी, हमें विचार की स्वतंत्रता मिलेगी, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी, हमें विश्वास की स्वतंत्रता मिलेगी, हमें धर्म की स्वतंत्रता भी मिलेगी। चलो भाई आपने न्याय बता दिया कि हमको सामाजिक न्याय मिलेगा, हमको आर्थिक न्याय मिलेगा, हमको राजनीतिक न्याय मिलेगा। आपने स्वतंत्रता बता दी कि हमको विचार की स्वतंत्रता मिलेगी, हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी, हमको विश्वास की स्वतंत्रता मिलेगी, हमको धर्म की स्वतंत्रता बता दी मिलेगी। तो ये बता दो हमको समानता कैसे मिलेगी, समानता को भी देख लो, समानता। चलो ऊपर से थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं, इसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। हैं, चलो समानता की बात करते हैं।
कि हमको समानता कैसे मिलेगी। समानता भी मिलेगी, क्यों परेशान हो भाई, समानता भी मिलेगी। समानता कहाँ जाएगी, जब ये दो चीज़ें मिल जाएंगी तो हमको समानता भी मिल जाएगी। समानता कैसे मिलेगी, सुनो, एक तो तुमको प्रतिष्ठा की समानता मिलेगी और दूसरे तुमको अवसर की समानता भी मिलेगी। समझिए, यही सारी चीज़ें तो आप आर्टिकल में पढ़ते हो, है ना, और क्या चीज़ है। आर्टिकल को अगर आप पढ़ते हो अलग अलग करके तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, मिलती हैं। तो हमने क्या बताया, संविधान किसी देश की झलक होती है पूरी, ठीक। तो यहाँ से हमको समानता दो प्रकार से मिलेगी, एक प्रतिष्ठा की समानता मिलेगी और एक अवसर की समानता मिलेगी, और साथ में बंधुत्व, एकता और अखंडता तो प्राप्त ही हो जाएगी। जब ये सब मिल जाएगा तो हमको बंधुत्व, एकता व अखंडता तो मिल ही जाएगी भाई। अब इतना सब कुछ मिलेगा तो क्या इतनी चीज़ें और नहीं मिलेंगी, मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से हमारा जो पूरा संविधान है वो एक झलक प्रस्तुत करता है हमारे देश की, ठीक है। फिर से समझिए, SSDR क्या थे, SSDR क्या थे, एक तो संप्रभु था, दूसरा समाजवादी था, ठीक, तीसरा आपका धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष था, चौथा लोकतांत्रिक था, इसके बाद रिपब्लिक था। तो जब अगर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये पांचों चीज़ें मिल जाएंगी, तो हमको न्याय की स्वतंत्रता, ठीक है, न्याय प्राप्त होगा, स्वतंत्रता प्राप्त होगी और समानता प्राप्त होगी। कैसा न्याय प्राप्त होगा, तो सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा। स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, विचार की स्वतंत्रता मिलेगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी, विश्वास की स्वतंत्रता मिलेगी और धर्म की स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक है, यानी कि वर्षिप की स्वतंत्रता मिलेगी। समानता, समानता की अगर हम बात करें तो हमें एक प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता, समानता मिलेगी, स्टेटस, और साथ में अवसर की समानता भी हमको प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में इतने सारे शब्दों को जोड़ा गया। अब आपका टास्क ये है कि इन शब्दों को हमें अलग 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 समझना है और अलग 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 अपने जहन में उतारना है। इतना काम आपका है कि अब इन शब्दों को हमने समझा दिया, इनकी समरी हमने आपको पूरी बता दी कि कौन कौन से शब्द इसमें हो सकते हैं, और अब आपको एक एक वर्ड को समझना है। तो हम SSDR से उठाते हैं, एक एक वर्ड को समझते जाते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या होता है। चलो फिर इसको नोट कर लिया। देखिए, संविधान को आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस प्रकार से एक वे में पढ़िए, बहुत मज़ा आएगी, है ना। प्रियम्बल पूरा पढ़ने के बाद इस प्रियम्बल में तकरीबन 3 क्लासें आएंगी हमारी, ठीक। इन तीनों क्लासों को पढ़ने के बाद प्रियम्बल से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक। प्रस्तावना से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, और बाकी आपको समझ में तो ऐसा आएगा कि पूछो मत। चलो फिर सबसे पहले की हम बात करते हैं, संप्रभु, सबसे पहला जो एस था, ठीक। देखिए, हमने SSSDR बताया है ना, तो इस पहले हम एस की बात कर रहे हैं, सोवरेन की बात कर रहे हैं, संप्रभु की बात कर रहे हैं। संप्रभु का मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल से समझने की कोशिश कीजिए, मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं कहूँगा। संप्रभु का मतलब होता है स्वयं का प्रभु, स्वयं का प्रभु। नहीं समझे, फिर से समझिए। अपने यहाँ पर, अपने इंडिया में जो एक प्रकार से खुद का प्रभु है वो कौन है, हमारी जनता है। हम ही तो जनता, मतलब हम ही तो क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करते हैं। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है कि नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा चुना जाता है, हमारे द्वारा। तो संप्रभु हम कौन, हम यहाँ पर क्या हैं, हम यहाँ पर संप्रभु हैं। तो सिंपल सा मतलब है जिसके पास निर्णय लेने का स्वयं का पावर आ जाए। मैंने क्या बात बताई, जिसके पास स्वयं के निर्णय लेने का पावर आ जाए, यानी कि भारत की संप्रभुता प्राप्त हो जाए, भारत की संप्रभुता जिसके पास में आ जाए तो वो संप्रभु देश कहलाता है। तो आप ये मान सकते हैं कि नहीं सकते हैं कि भारत के लोगों में संप्रभुता निवास करती है, ठीक। तो संप्रभुता कहाँ निवास करती है, भारत के लोगों में, भारत के
लोगों में संप्रभुता निवास करती है, और संप्रभुता का जो सिंपल सा मतलब है वो स्वयं का प्रभु, संप्रभु, संप्रभु से बना संप्रभुता, संप्रभु से क्या बना संप्रभुता। अब देखिए संप्रभुता भी कई प्रकार की है। अरे सर जी, अभी तो आप बताए थे कि संप्रभु ही केवल है, ये कि संप्रभुता भी कई प्रकार की है। हाँ यही तो आपको पढ़ना है, संप्रभुता भी आपको कई प्रकार की मिलेगी, जैसे कि आंतरिक संप्रभुता है ना, आंतरिक संप्रभुता। दूसरी चीज आपको मिलेगी बाहरी संप्रभुता। एक तो आंतरिक संप्रभुता हो गई, दूसरी आपको मिलेगी बाहरी संप्रभुता। तो पहले ये तीन दो पॉइंट को समझिए, सॉरी दो पॉइंट को पहले समझिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट दो पार्ट बताऊंगा, है ना। देखिए आपके दिमाग के कपाट खुलने वाले हैं, है ना, तो दिमाग के कपाटों को खोल करके बैठना, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंतरिक संप्रभुता की। देखिए आंतरिक संप्रभुता का मतलब ये होता है कि ऐसे सभी मामले, ऐसे सभी मामले जो कि देश के अंदर हों, देश के अंदर के सभी मामले, ठीक, देश के अंदर के सभी मामले जिसकी जिम्मेदारी भारत की खुद की हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं आंतरिक संप्रभुता। और बाहरी संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि देश के बाहर के मामले, उसकी भी जिम्मेदारी किसकी हो, भारत की हो। भाई आज लॉकडाउन चल रहा है, समझना लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री को क्यों आवश्यकता है कि हम अपने देश के जो बाहर लोग रह रहे हैं उनको एयरलिफ्ट करा करके घर में लाएं, क्यों आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि हम संप्रभुता का पालन कर रहे हैं, हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, तो बाहरी संप्रभुता का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसे कि हम आंतरिक संप्रभुता को ध्यान में रखते हैं, उसी प्रकार से हमें बाहरी संप्रभुता पर भी विशेष ध्यान देना है। बात समझ में आ गई। चलिए ये तो हो गए दो पॉइंट, इसके बाद तीसरा पॉइंट, आंतरिक संप्रभुता समझ में आ गई, बाहरी संप्रभुता समझ में आ गई, इसका जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है नाम मात्र की संप्रभुता, नाम मात्र की संप्रभुता। अब ये क्या बला है नाम मात्र की संप्रभुता? देखिए नाम मात्र की संप्रभुता मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मेंबर जो कि केवल नाम मात्र के लिए संप्रभु हो, नाम मात्र के लिए स्वयं का प्रभु हो, लाइक अपने प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति नाम मात्र के संप्रभु हैं, ठीक। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो आते हैं हमारे, नाम मात्र के संप्रभु आते हैं, इनको नाम मात्र की शक्तियां प्रदान की गई हैं, इसीलिए नाम मात्र की संप्रभुता किसमें निवास करती है, हमारे प्रेसिडेंट में। इसके बाद चौथा पॉइंट इसमें क्या आता है, कानूनी संप्रभुता। चौथा पॉइंट क्या आता है, कानूनी संप्रभुता। अब इस संप्रभुता को कैसे समझा जाए, कानूनी संप्रभुता, जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल किसका आएगा, संविधान को। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारी एक लीगल बुक है, हमारी एक लीगल बुक है, व्यवस्थाओं की एक लीगल किताब है, जिसको हम क्या कहते हैं, भारत का संविधान कहते हैं। तो कानूनी संप्रभुता किसके अंदर निवास करती है, संविधान के अंदर, ठीक। तो यहाँ से देखिए संप्रभु का मतलब क्या हो गया, भारत के लोग, यानी कि जहाँ पर भारत के लोग खुद के प्रभु हों, स्वयं के प्रभु हों। तो संप्रभुता भी हमारी चार प्रकार से बढ़ जाती है, एक आंतरिक संप्रभुता और एक बाहरी संप्रभुता, ठीक। बाकी सब बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट आता है इसका नाम मात्र की संप्रभुता, जिसमें राष्ट्रपति आते हैं, और कानूनी संप्रभुता के अंदर संविधान को लिया गया है। तो इस प्रकार से हमें ऐसा लगता है कि आपको संप्रभु का मतलब समझ में आ गया होगा, और उससे जो वर्ड बना है संप्रभुता, वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। चलो एक एस हो गया, दूसरे एस की बात कर लेते हैं। चलो दूसरा एस क्या है, दूसरा एस है सोशलिस्ट, यानी कि समाजवादी। समाजवादी पार्टी नहीं भाई, समाजवादी पार्टी नहीं है, समझो समझो,
यहीं से आपका जो मुख्य कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मुख्य पॉलिटी है, जो मुख्य भारतीय राजव्यवस्था है, वो स्टार्ट होती है। समाजवादी का मतलब समझिए। अच्छा, समाजवादी से पहले आपने कई वर्ड सुने होंगे, जैसे कि अगर यहां पर समाजवाद है, आपने वर्ड सुना होगा उदारवाद, सुना है उदारवाद, सुना होगा। उदारवाद के बाद एक वर्ड आता है मार्क्सवाद। कौन सा वर्ड आता है? मार्क्सवाद। समाजवाद भी आपने वर्ड सुना है, मार्क्सवाद भी आपने वर्ड सुना है। इसके बाद आपने, अच्छा ये उदारवाद, मार्क्सवाद, अब इसके बाद हम जोड़ते हैं समाजवाद। ये एक नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, और ये हम लगाते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर इसको हम लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, चलो यहाँ लगा देते हैं, ऊपर नंबर पड़ा है समाजवाद। देखिए, हमें समाजवाद समझाना है, इसलिए इन सारे वर्डों को हमें समझाना पड़ेगा। और चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है, इसको लाइन से ही लिख देते हैं, इधर उधर हो जाएगा। अच्छा, ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाला साफ कर देते हैं ताकि एक बार में पूरा समझ में आ जाए। सबसे पहला वर्ड हमने आपको बताया क्या? सबसे पहले वर्ड हमने आपको बताया उदारवाद, उदारवाद बताया। दूसरा वर्ड हमने आपको बताया मार्क्सवाद। देखिए, वाद का मतलब यहां पर क्या है? विचारधारा है, मार्क्सवाद हो गया। मार्क्सवाद के बाद हमने आपको बताया समाजवाद, समाजवाद। समाजवाद के बाद जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है साम्यवाद। ये अगर आपको वर्ड समझ में आ गए, आपने समझ लो कॉन्स्टिट्यूशन पे पकड़ बना ली, आपको ये चार वर्ड अगर समझ में आ गए तो आपने समझ लो कॉन्स्टिट्यूशन पर पकड़ बना ली। समझिए, अब ये वर्ड आपको समझने कैसे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम ऐसे हिस्से को बांटे, कंट्री को बांटे, देश को बांटे, तो इस हिस्से में आपका पूर्व का हिस्सा आता है और इस हिस्से में आपके पश्चिम का हिस्सा आता है। तो आपको एक बात पता होगी कि ये जितने भी हमारे वाद हैं, ये सब पश्चिम से पूर्व की तरफ आए हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ आए हैं। जैसे कि हम अगर बात कर लें उदारवाद की, उदारवाद की अगर हम बात कर लें, तो उदारवाद हमको यूरोप में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? यूरोप में हमको उदारवाद की एक धारणा देखने को मिलती है। अगर हम मार्क्सवाद की बात करें तो ये हमको जर्मनी में देखने को मिलती है। अगर हम समाजवाद की बात करें तो ये हमको रूस में देखने को मिलती है। और अगर हम साम्यवाद की बात करें तो ये हमको चीन में देखने को मिलती है। तो देखिए, समझिए, यूरोप यानी कि पश्चिम से ही देखिए चल रहा है ना, यूरोप के बाद जर्मनी, जर्मनी से रसिया, रसिया के बाद कहाँ आ गए? चीन में आ गए। तो धीरे धीरे एशिया में आए कि नहीं आए? तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसका बहाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? हाँ। तो इस प्रकार से हमारे चार वाद आते हैं, ठीक। अच्छा, अब इनके आपको हम जनक भी बता देते हैं, हैं? बताइए भाई, कौन किसका जनक है, कौन किसका जनक है? अगर हम यूरोप में उदारवाद की बात करें तो इसके जनक जो माने जाते हैं वो जा माने जाते हैं कौन? जॉन लॉक। कौन माने जाते हैं? जॉन लॉक। और अगर इधर हम जर्मनी की बात कर लें, जर्मनी में मार्क्सवाद की बात कर लें, तो मार्क्सवाद के जनक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स हो गए। अगर हम रूस की बात कर लें, रूस में कौन सा है? रूस में समाजवाद है, समाजवाद के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये तो बेसिक्स से क्वेश्चन है, लेनिन। और अगर चीन की बात कर लें, चीन में साम्यवाद, और चीन के जनक की बात कर लें तो इसके जनक हैं कौन होंगे? कोई चीनी व्यक्ति होंगे, ठीक है, इसके व्यक्ति जो हैं वो हैं माओ, माओ तसे तुंग, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, उदारवाद के जनक जॉन लॉक, मार्क्सवाद के जनक कार्ल मार्क्स, समाजवाद के जनक लेनिन, और साम्यवाद के जनक माओ
तसे तुंग। अब इन वर्ड्स का आपको मतलब समझना है, बस मतलब समझ गए आपका काम हो गया। चलिए फिर सबसे पहले देखो बात करते हैं जॉन लॉक की। अच्छा यहाँ पर हम अर्थ को लेकर के थोड़ी सी बात बताएंगे। समाजवाद जो है, समाजवाद हमको समझाना है, हमारा मेन उद्देश्य है इसको समझाना, है ना, हमारा मुख्य उद्देश्य है इसको समझाना, क्योंकि समाजवादी शब्द है ना, सोशलिस्ट शब्द है, हम उसको समझा रहे हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर उदारवाद का मतलब जो जॉन लॉक ने समझाया, वो समझाया कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था का मतलब पैसा, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिस अर्थव्यवस्था में सरकार का किसी प्रकार से हस्तक्षेप ना हो, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिस अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार से सरकार का हस्तक्षेप ना हो, मतलब सरकार उस पे इंक्लूड ना हो, सरकार किसी प्रकार से पैसे से संबंधित ना हो। जैसे कि आज आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे प्राइवेटाइजेशन का, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन इसका एक एग्जाम्पल है, प्राइवेटाइजेशन। तो जैसे कि कोई प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, सरकार का किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं होता है। क्या सरकार का हस्तक्षेप होता है उसमें? नहीं होता है। तो इसी विचार को हम उदारवाद कहते हैं। ये विचारधारा हमको कहाँ से मिलती है? ये विचारधारा हमको यूरोप से मिलती है। ठीक, देखिए मैं उसकी अगर जड़ तक घुसूंगा तो हमारा टॉपिक ख़त्म नहीं हो पाएगा, एक ही पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट बनने लगेंगे और हमको सब कुछ समझाना है, इसीलिए मैं उसकी जो मुख्य चीज़ है उस चीज़ को बता रहा हूँ, उसका की पॉइंट क्या है उस चीज़ को समझा रहा हूँ। तो यहाँ से हमने क्या बताया आपको, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर पूरा नियंत्रण सरकार का न होकर के किसी इंडिविजुअल संस्था का होता है, ठीक, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन करण आप देख रहे हैं आज के समय में, तो उसको हम उदारवाद कहते हैं, यानी कि सरकार का हस्तक्षेप किसी प्रकार से ना हो। अब समझिए कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के द्वारा जो मार्क्सवाद दिया गया इसको समझिए। अच्छा पहले यहाँ पर हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि एक प्राइवेट स्कूल का हमने एग्जाम्पल ले लिया, सपोज करो हमने एक प्राइवेट स्कूल बनवाया, तो वो किसके अंतर्गत आ गया? उदारवाद के अंतर्गत। अब हम मार्क्सवाद को समझाना चाहते हैं। अब मान लो उस प्राइवेट स्कूल का कोई ए है व्यक्ति, वो मालिक है, ये ए कौन है? उसका मालिक है कौन? उदारवाद का, जो स्कूल बनवाया है ए मालिक है। तो पूरा फायदा किसको मिलेगा यहाँ पर? ए को मिलेगा, मालिक को मिलेगा, यस या नो? यस, पूरा फायदा मालिक को मिलेगा। तो कार्ल मार्क्स ने यह समझाया कि उस स्कूल को बनाने के लिए मान लो कि कई सारे लेबर लगे हैं, X1, X2, X3, X4। तो इन्होंने समझाया, मार्क्सवाद का विचार समझिए, इन्होंने कहा कि जो पूरा फायदा मालिक को ना मिल करके ये जो लेबर लगे हुए हैं, ये कुछ ऐसा काम करे, ये कुछ ऐसा मतलब एक अपना गुट बनाए, संगठन बनाए, जिससे जो पैसा मिले उसका पूरा लाभ इनको हो। इस विचारधारा को क्या कहा गया? मार्क्सवाद की विचारधारा। मतलब दुनिया के जितने भी मजदूर हैं वो एक हो जाओ और सारा पैसा अपने पास रख लो। उस विचारधारा को कहा गया कार्ल मार्क्स की विचारधारा। तो समझते हैं ना, थोड़ी सी अजीबोगरीब की विचारधारा थी। मतलब कंप्लीट जो कंट्रोल है वो किसका हो जाए? लेबर का। कंप्लीट कंट्रोल किसका हो जाए? लेबर का। कंप्लीट कंट्रोल लेबर का अगर यहाँ से हो जाता है तो इस चीज़ को हम कहते हैं कार्ल मार्क्स की विचारधारा, यानी कि वो मार्क्सवाद हो गया, जो कि जर्मनी से संबंधित है। तो ये पॉइंट आपको दोनों समझ में आ गए? बहुत, देखिए मैं इत्मीनान से समझा रहा हूँ, है ना। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए? चलिए अब बात करते हैं समाजवाद की। अब देखिए यहीं से आपको समझना है। तो लेनिन के द्वारा ये कहा गया कि चलो ठीक है, दो विचारधाराओं से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मेरी विचारधारा भी तो समझ लो। मेरी विचारधारा ये कहती है कि
लेनिन ने कहा कि समाज की जो सरकार है, समाज की जो सरकार है वही पूरी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करे। मतलब समाज की सरकार मतलब क्या है, और सरकार कौन बना रहा है, सरकार कौन बना रहा है, जनता बना रही है। मतलब एक प्रकार से सोसाइटी कंट्रोल, सोसाइटी कंट्रोल, सोसाइटी कंट्रोल जो विचारधारा है वो हमारे समाजवाद, समाजवाद की विचारधारा से संबंधित है। मतलब समाज की सरकार बने, समाज की सरकार बने। हाँ, दूसरा पॉइंट इसका समझिए, समाज की सरकार, समाज की सरकार और पूरी अर्थव्यवस्था पर सोसाइटी का कंट्रोल होना चाहिए। तो आज भी हम वही चीज़ तो देखते हैं कि हमारे द्वारा सरकार बनाई जाती है और पूरी जो कंट्रोलिंग पावर होती है वो सोसाइटी के हाथ में होती है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये समाजवाद को प्रदर्शित करता है। अच्छा, अब यहाँ पर चीन अगर साम्यवाद किस बात समझ लें तो चीन को समझिए। चीन में देखो यहाँ पर क्या बताया गया, साम्यवाद, साम्यवाद बताया गया। मतलब एक्चुअल पावर जो है वो कुछ लोगों के हाथ में दे दी जानी चाहिए, एक्चुअल पावर कुछ लोगों के हाथ में दे देनी चाहिए। ठीक, तो ये जो विचारधारा है ये साम्यवाद की विचारधारा है, एक्चुअल पावर कुछ लोगों के हाथ में। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था का नियंत्रण कुछ लोगों के हाथ में दे दिया जाना चाहिए। जैसे कि मान लो कि ये पूरी एक कम्युनिटी है, इससे हमने कुछ लोग उठा लिए, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और पूरा जो कंट्रोलिंग का पावर है वो हमने क्या किसको दे दिया, कुछ लोगों को दे दिया, सीमित लोगों को दे दिया। तो वो जो होती है बात, वो जो एक विचारधारा बनती है वो साम्यवाद की विचारधारा बनती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सोसाइटी कंट्रोल जो है वो समाजवाद है, और एक्चुअल पावर अगर किसी को दे करके अगर उस विचारधारा को अपनाया जाए तो वो साम्यवाद है, और अगर पूरा कंप्लीट कंट्रोल लेबर पर आता है तो मार्क्सवाद है, और पूरा अगर कंट्रोल एक इंडिविजुअल मालिक पर आता है, ठीक है, जहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, उसको हम उदारवाद कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप समझ में आए होंगे कि आखिर जो समाजवादी शब्द आया है वो कैसे आया है, समाजवादी। ठीक है, तो पहला वर्ड हमने देखा सोवरेन, संप्रभु, और दूसरा वर्ड हमने देखा समाजवादी। हाँ, अब आपको हम बता देते हैं, अब देखो यहाँ से समझ में आएगा आपको। अब देखिए हुआ क्या है ना, यहीं से समझने की कोशिश है। हमने क्या बताया, ये रूस की विचारधारा है। अब आपको हम ले चलते हैं 1971 में। 1971 में हुआ क्या, हमने एक भयावह युद्ध की स्थिति देखी। भयावह युद्ध की स्थिति देखने के बाद अपने जो देश का पूरा सिस्टम था, पूरी अर्थव्यवस्था थी, वो बिगड़ती चली गई। और उस स्थिति में हमारी जो मदद करी वो किसने मदद करी, वो मदद करी USSR ने, हमारी मदद करी USSR। USSR ने हमारी जब मदद करी तो उसी की विचारधारा को लेकर के 1976 में हमारे संविधान में संशोधन किया गया। क्या किया गया, हमारे संविधान में संशोधन किया गया, और USSR में जो चल रहा था समाजवाद, हमने भी समाजवाद को अपना लिया, इसीलिए 42वें संविधान में 1976 में समाजवाद शब्द जोड़ा गया है ना। यही सारी बातें तो आपको समझ में नहीं आती हैं। इसके बाद जैसे ही हम देखते हैं 1991 का टाइम आता है, ये USSR अलग अलग टुकड़ों में टूटता है, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है वो पूरी तरीके से डगमगा जाती है, इसके बाद हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा ये प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट को मिक्स करके एक मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत के लिए बनाई जाती है। बात समझ में आ रही, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट आप वो बहुत डीपली आप जब पढ़ेंगे, किसी सिविल सर्विस की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो मेंस में लिखने के लिए ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये समाजवाद क्या होता है। मतलब एक समाज की सरकार हो, पूरा कंट्रोल सोसाइटी के ऊपर आ जाए। ठीक, तो इस प्रकार से आज हमने दो अपने वर्ड खत्म किए हैं, एक सॉवरेन खत्म किया है और दूसरा सोशलिस्ट खत्म किया है।
ठीक, नेक्स्ट वाले चैप्टर में यानी नेक्स्ट वाले पार्ट में हम आपको जो बाकी 3 वर्ड बचे हैं उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने ज़रूर इससे कुछ सीखा होगा, नया ज्ञान प्राप्त किया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आगे हमको किस प्रकार से एंड करना है। ठीक है, तो बस ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और हाँ, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। ठीक, धन्यवाद।